जय हिंद दोस्तों, आप सभी भूतपूर्व सैनिकों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली वैकेंसीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसीज हैं इनकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुकी थी 2023 में। किसी कारण की वजह से ये वैकेंसीज पूरी नहीं हो पाई भर्ती प्रक्रिया, तो इन वैकेंसीज के लिए संशोधित तिथि मतलब दोबारा से फॉर्म मांगे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो दोस्तों तिथि है वो है 11 जुलाई से 10 अगस्त 2024, यानी कि 11 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सॉरी रिक्तियों का विवरण, यानी कि कौन कौन से पदों पर यहां पर जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों इनके डिपार्टमेंट और कौन से विभाग में ये वैकेंसीज निकली हुई है उसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है योग। तो दोस्तों मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के लिए आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की दोस्तों जो वैकेंसीज हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग में, ठीक है, टोटल 96 वैकेंसीज है। उसके बाद में दोस्तों है निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ये भी दोस्तों नगर विकास एवं आवास विभाग में ही वैकेंसीज है, लेकिन इनका जो कार्यालय है ऑफिस है वो चेंज है। ये है दोस्तों सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक समूह, लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की 256 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है स्टेनोग्राफर, इसके लिए निजी सहायक या फिर निजी अपर सचिव भी कहा जाता है। स्टेनोग्राफर की दोस्तों जो वैकेंसीज हैं वो है 27 वैकेंसीज। उसके बाद में दोस्तों निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो दोस्तों कौशल विकास विभाग में हैं, 77 वैकेंसीज। उसके बाद में दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की ही खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय में जो है वो खान निदेशालय में 43 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में दोस्तों फिर से लोअर डिवीजन क्लर्क की खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय में 22 वैकेंसीज हैं, और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के निदेशालय में लोअर डिवीजन क्लर्क की दोस्तों 38 वैकेंसीज हैं। ओके, इसी प्रकार दोस्तों ये काफी सारी वैकेंसीज हैं जिनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप धीरे धीरे करके इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद में। ओके चलिए, तो टोटल जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो हैं 863, 863 स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज निकली गई हैं, निकली हुई हैं दोस्तों, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके पे लेवल की। तो दोस्तों पे लेवल जो है इन वैकेंसीज का बहुत अच्छा है दोस्तों। स्टेनोग्राफर का जो पे लेवल है वो है 25,500 से 81,100 रुपये तक। पे मैट्रिक्स लेवल 4 में ये आते हैं। उसके बाद में दोस्तों निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पे लेवल है वो है 2, 19,900 से 63,200 रुपये तक। कौशल परीक्षण यानी कि दोस्तों आपको जो स्किल टेस्ट होगा वो इस प्रकार है, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अंशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है। जो आपका दोस्तों स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दोस्तों स्टेनोग्राफिंग में मतलब शॉर्ट हैंड में लिखने हैं, और 30 शब्द प्रति मिनट की दर से दोस्तों आपके लिए हिंदी टाइपिंग में लिखने हैं। ओके, उसके बाद में हिंदी टंकण परीक्षण केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती में अप्लाई करने वाले हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी में दोस्तों 25 वर्ड प्रति मिनट की दर से 250 शब्दों को 10 मिनट में टाइप करना होगा। ओके, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों वो दोनों ही पदों के लिए इंटरमीडिएट है, तो आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिकों के आयु सीमा के बारे में, ठीक है। तो अधिकतम उम्र जो दोस्तों है वो न्यूनतम है 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र जो है वो कैटेगरी वाइज
40 साल तक है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर AWS हैं तो आपके लिए 35 साल तक अप्लाई करने का यहाँ पर मौका है। उसके बाद में दोस्तों 5 साल के भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट दी जा रही है। इसके लिए बहुत ध्यान से सुनने की आपको आवश्यकता है दोस्तों। अब देखिए, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी एक्चुअल एज है उसमें से आपको अपनी एक्चुअल सर्विस, जितनी भी सर्विस करके आप सेना से, एयरफोर्स से या फिर नेवी से रिटायर हुए हैं उस सर्विस को माइनस कर दीजिए। जितना भी दोस्तों गुणांक आए उसमें से 5 साल और माइनस कर दीजिए, फिर आपकी कैटेगरी वाइज जो एज है वो 35 साल, 37 साल, 38 या फिर 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, ठीक है, यहाँ से आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का दोस्तों लिंक दिखा देता हूँ। ये देखिए www.jssc.nic.in पर जाइए, आपके लिए यहाँ से अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो किस स्टेट के लिए निकली हुई हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकली हुई हैं। इसमें केवल झारखंड राज्य के ही जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।